मशहूर किडनी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संदीप गुलेरिया और नीरव गोयल ने अलीगढ़ वासियों को किडनी संबंधित जानकारी दी। जानकारी देते हुए बताया कि किस तरीके से स्वस्थ रहा जा सकता है। डॉक्टर ने सलाह देते हुए कहा कि बिगड़ते खानपान की वजह से किडनी पर बहुत गहरा असर पड़ता है। यदि मरीज अपनी दिनचर्या पर विशेष ध्यान देता है तो वह किडनी से होने वाले बीमारियों से बच सकता है। और जो लोग किडनी की बीमारी से ग्रस्त है वह लोग नियमित दवाओं का प्रयोग करके किडनी की बीमारी से बच सकते हैं। किडनी की बीमारी से बचने के लिए नियमित खानपान और दिनचर्या में बदलाव लाना बहुत जरूरी है, जिससे किडनी के साथ साथ अपने शरीर को भी स्वस्थ रखा जा सकता है। अगर आप कराएं तो देखिए, आप जैसे मैंने कहा था डायलिसिस कराएं। डायलिसिस सिर्फ आपके खून से जहर निकालता है, आपके खून को बनाता नहीं है, आपकी हड्डियों को ताकत नहीं देता। तो ग्रेजुअली डायलिसिस में आदमी बहुत वीक हो जाता है। अगर मशीन की सफाई ना की हो तो आप नए नए रोग जैसे हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी पकड़ लेते हैं। तो नॉर्मली डायलिसिस पे लाइफ आपकी बड़ी ख़राब, बेड रिडन हो जाते हैं और आप अपने फैमिली के लिए काम नहीं कर सकते हैं। यू कांट मेक मनी, यू कांट अर्न मनी एंड यू बिकम बेड रिडन। नई बीमारियाँ आपको पकड़ लेती हैं। बहुत सारे लोग डायलिसिस पे टीबी पकड़ लेते हैं। अगर आप ट्रांसप्लांट कराते हैं तो हाई चांस है कि 95% आप एक साल के बाद जिंदा होंगे, 10 साल के बाद लगभग 70-80। कुछ प्रिकॉशंस रखनी होती हैं मरीजों को, बिकॉज इनमें जो ऑर्गन लगाए ताकि वो रिजेक्ट ना हो, तो उसके लिए कुछ दवाइयाँ चली जाती दी जाती हैं, तो इम्यूनो सप्रेसेंस कहते हैं, जिससे थोड़ा सा जनरल पॉपुलेशन से ज़्यादा इन्फेक्शन बढ़ने का रिस्क होता है। तो इसके लिए एडवाइजेबल रहता है कि कुछ प्रिकॉशंस, हेल्दी खाना, वेल कुक खाना लें और बीमार लोगों से थोड़ा दूर रहें। तो ये जनरल प्रिकॉशंस है जो इनको लेनी होती है। अदरवाइज़ यस, दे कैन लीड अ गुड लाइफ।